तो सुबह का टाइम है, धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है, तो वेरी गुड मॉर्निंग। तो बस अब थोड़ी देर में खेतों के लिए निकलना है, तो आज वीडियो स्किप नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि मैं आज आपको फ्रेंच फ्राइज चिली पटेटो वाले खेत दिखाने वाला हूँ आगे वीडियो में। तो वीडियो स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे और पूरा देखेंगे। वेलकम बैक दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था, आज आपको मैं फ्रेंच फ्राइज और चिली पटेटो वाले खेत दिखाने वाला हूँ। तो गाँव में तो दोस्तों पहुँच गए हम, तो बस अब चल रहे हैं आपके जो मैंने बोला था उसको दिखाने के लिए। तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को भी फ्रेंच फ्राइज और चिली पटेटो वाला खेत। पहले आपको पेड़ दिखाता हूँ, फ्रेंच फ्राइज और चिली पटेटो वाला पेड़। ये होता है आपका फ्रेंच फ्राइज और चिली पटेटो वाला पेड़, देख सकते हैं ना आप। और अभी अभी इसमें पानी भी लगाया है, देख सकते हैं आप, क्योंकि ये जल्दी निकले, ग्रोथ करे। तो आपने पेड़ देख लिया ना, अब बहुत जो लोग जानते हैं वो तो ठीक है, बाकी लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि भाई कैसा पेड़ है ये। तो कन्फ्यूजन ना तो अभी दूर करते हैं। एक्चुअली ना ये आलू का खेत है, पूरा खेत देख सकते हैं, और इसमें अभी पानी भी लगा हुआ है, और पूरा देखिए पूरा ग्रीन ग्रीन हो रखा है। तो आलू का खेत है ये। अब जिन लोगों को नहीं पता, कन्फ्यूजन है, उनके लिए बता दूं, ये आलू का खेत है दोस्तों। आलू से ही आपके फ्रेंच फ्राई, चिली पटेटो, चिप्स, पापड़, जो भी काफ़ी बहुत तरह के आइटम बनते हैं, तो इसी खेत से, आई मीन इस खेत से नहीं, आलू के खेत से ही निकल के आलू निकलता है, उसके बाद आपके पास अपना रूप बदल के पहुँच जाता है। तो आप देख सकते हैं पीछे पूरा खेत आलू का ही है, और अभी इसमें पानी भी लगा हुआ है, लेबर पीछे पानी लगा रही है। तो मैंने बोला था ना आपको सुबह दिखाऊंगा दोस्तों, तो आज दिखाया है। इसके बाद मैं आपको और भी अपने खेत दिखाने वाला हूँ, क्या क्या हमने लगा रखा है, क्या क्या हम एक्टिविटी पूरे दिन में खेतों पर करते हैं। तो आप बने रहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब क्या डेली रूटीन, अब क्या एक किसान भी अपना रूटीन दिखा सकता है ना, बाकी आपने ब्लॉग चैनल देखे होंगे, ब्लॉग तो नहीं है ये, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा कोई ब्लॉग का आइडिया नहीं है, पर जो भी गांव की लाइफ है, जो भी है, मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के थ्रू आप दिखाऊंगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं गांव काफ़ी हरा भरा होता है दोस्तों, पेड़ पौधे, खेत। शहर जैसी गाड़ियां तो नहीं दौड़ती रोडों पे, वहाँ पर आपको लोग चलते मिल जाएंगे, पैदल पैदल काम करते हुए मिल जाएंगे। तो आगे और भी वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आज क्या क्या काम करने वाले हैं, देखते रहिए। हे क्या दिखा खेत में दोस्तों, अब आप मुझको गैस करके बताइए ये है क्या। अब ये ना वो आपने देख लिया ना, कितना बड़ा सांप अभी इस खेत से निकल गया है, आप देख सकते हैं ये सांप का आगे ना दिख रहा है ना, वो सबसे आगे सांप का मुंह है ना, ये सांप की स्किन है, जो पुरानी हो जाती है ना सांप, उसको निकालते हुए आगे निकल जाता है दोस्तों। तो खेत पर ये भी मिल देखने के लिए मिलता है, ऐसा नहीं है खेत की लाइफ खतरनाक तो है दोस्तों। अब देखो सांप कितना बड़ा है, मुझे लग रहा है कोबरा ये अपनी स्किन निकाल के टाटा बाबा करके वो आगे निकल गया है। तो पानी भी पी लिया, अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए। तो खेत के कोने में ना गन्ने के पेड़ लगा रखे थे, वहीं से गन्ना तोड़ के निकाल लेते हैं। मैं भी खा लूँ, आप भी खा गया। तो टाटा बाबा करते हुए निकलते हैं दूसरे खेत की ओर। गर्मी इतनी बढ़ रही है, गला सूख रहा है, पहले पानी पियेंगे। ओह माय गॉड, सामने ही चल रहा है पानी, आप लोगों को दिखाऊं तो इसको, पर वहाँ तक जाना काफ़ी मुश्किल हो रखा है, पर जाएंगे फिर भी, देखता हूँ कैसे जाना है, जूते भीग जाएंगे सब, कोई नहीं। ओह माय गॉड, तो दोस्तों मैं पानी पी के अगले खेत को निकलता हूँ, तब तक आप भी पानी वानी पी लो। अब क्या अपने दूसरे खेत पे आ गया हूँ मैं, दूसरा खेत जिसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा रखी है और अमरूद बमरूद के पेड़ लगा रखे हैं। तो चेक कर लेते हैं वर्मी कंपोस्ट किस हालत में है अभी, क्योंकि ये भी चीख चीख के कह रहा है भाई खाद निकाल ले, भाई खाद निकाल ले, पर क्या थोड़ी टाइम और इसमें जो अंडे हैं ना उनकी वजह से मैं खाद नहीं निकाल पा रहा हूँ, और बेचारा खाद को क्या पता, मेरी भी कोई मजबूरी है, पर फिर भी देख लेते हैं आराम से है कि नहीं है। अब ये क्या करे बेचारा, ये भी मजबूर है, पूरा खाद बना के बैठा है और हम इसको डिले कर रहे हैं, पर हमारी भी मजबूरी है। इस बार मैं चाह रहा हूँ एक भी एक्स जो है बर्बाद ना हो, सारे केंचुए मिल जाएं मुझे, ताकि जो भी काम किया है वो थोड़ा आगे बढ़ सके, पर इसकी मजबूरी तो मेरी भी मजबूरी है दोस्तों। अब मैं खाद निकालूँ तो अंडे चले जाएंगे थोड़े बहुत, और मैं चाह रहा नहीं हूँ वो अंडे निकलें, पर फाइनली कल हम खाद को निकाल देंगे, क्योंकि इसकी सुननी ज़्यादा ज़रूरत है भाई, इसकी सुनाएंगे
तभी कुछ आगे हो पाएगा। तो बैड की सुनेंगे क्योंकि आपको खाद फ्रेंडली बैड ही देगा, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। तो इसकी कल खाद निकाल देंगे बैड से पूरा, क्योंकि काम तो करना ही है दोस्तों। वैसे क्या है, खाद निकालना कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, आराम से एक दो बंदे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे आप देखें तो ये पेड़ आपको दिख रहे हैं, इनमें वर्मी कंपोस्ट खाद रखवाना है। फार्मिंग अब ऐसा हो गया कि अब चाहूँ मैं अकेला बंदा अगर खेत में काम करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगा, वैसे भी कितना ही काम कर पाऊँगा तो विदाउट लेबर कोई काम हो नहीं सकता है। तो आज लेबर नहीं मिली तो इसकी वजह से खाद नहीं रख पाए, ना खाद निकाल पा रहे हैं। कल लेबर को अरेंज किया है और कल इन बैड से खाद भी निकालना है, पीछे पेड़ों को खाद वर्मी कंपोस्ट लगवाना भी है, उसके बाद पानी भी देना है। पानी के लिए हमने पाइप लगा रखा है बड़ी वाली समझ से, और तो पेड़ पेड़ को पानी देते हैं, इससे पानी वेस्ट भी नहीं होता है। और पानी लगने से क्या होता है, पूरे खेत में पानी लगा दोगे तो घास निकल आती है, और पेड़ पेड़ को पानी दोगे तो सिर्फ पेड़ में ही पानी जाएगा, बाकी एरिया में पानी नहीं जाएगा। जिससे होता क्या है, अब देखिए ये पेड़ है, अगर हम पेड़ पेड़ को ही पानी देंगे ना तो पानी भी आपका बचेगा, और जो पानी लगने से ना आसपास वीड निकलेगी, घास निकलेगी, वो भी नहीं निकलेगी। तो उससे एक तो ये फ़ायदा है। तो पीछे आप देख सकते हैं ये खेत है, अभी मुझे फार्मिंग में ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं दोस्तों, एक साल ही हुआ है। अब मैं झूठ बोलूँ मैंने कुछ ज़्यादा रन किया है वो भी नहीं किया, हाँ थोड़ा एक्सपीरियंस जरूर गेन कर रहा हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी ये तो हो ही रहा है, वर्मी कंपोस्ट यूनिट बढ़ गए हैं बेड, खाद भी अब जल्दी बन गया, लास्ट टाइम 7 महीने में बना था, अब के 2-3 महीने में बन गया है। धीरे धीरे गाड़ी ना चलना शुरू हुई है, दौड़ेगी भी करके किसी दिन। तो बस यही है, कल ये काम होगा, आज भी थोड़ा सा काम मैं खुद ही करूँगा, अभी कोई नहीं मिला आज लेबर, तो काम तो करना पड़ेगा ना, तो मैं खुद ही करके जाऊँगा आगे, और अपना खेत दूसरा खेत दिखाने वाला हूँ आपको। अभी आज वीडियो स्किप नहीं करनी है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्किप नहीं करनी है यार, कभी गांव की लाइफ भी देखना चाहिए ना आप लोगों को। जो गांव के बंदे हैं वो तो वीडियो स्किप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख रखा है। शहर वाले आप लोग ही देख लो यार, अब पूरा एरिया खेत 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 खेत, अब देख सकते हैं वो पानी निकल रहा है, सरसों का खेत है उसमें जा रहा है। तो आपको पूरे दिन लोग वहाँ एक बंदा खाद लगा रहा है, तो ये एक्टिविटी गांव में चलती रहती है, लोग क्या अपने गांव में व्यस्त रहते हैं, काम करते रहते हैं, और वो इसी में खुश भी रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस स्किप नहीं करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे।